हेलो बच्चों, आज हम लोग प्लस टू क्लास का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स और लाइंस। ये इमेजिनरी कर्व्स और लाइंस होती है बेटा जी, विच गिव डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बेसिकली ये हमें डायरेक्शन बताती हैं और स्ट्रेंथ बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। हम लोग सिर्फ अमेजिन करते हैं कि जिस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ करेक्टरिस्टिक होती है बच्चे, और इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड कहाँ पर करती हैं? एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि ये स्टार्ट कहाँ से होगी? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पर होगी? नेगेटिव चार्ज से। ये दिस इज द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्मूद एंड कॉन्टिन्यूस कर्व्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्मूद बच्चे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? ऐसे होंगी। तो अगर इस टाइप की मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूंगी तो दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, बेंडिंग इज नॉट अलाउड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दीज स्मूथ लाइंस विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। कर्व्स कौन सी होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, टेडीमेडी कर्व नहीं चलेगी टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। नो थर्ड है, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस कर्व, हाउ टू फाइंड? यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की आप लोग डायरेक्शन किसी भी स्मूथ कर्व पर कैसे फाइंड करोगे? बोलो दिस इज अ स्मूथ कर्व, आपके पास एक कर्व है। If you want to find the electric field at a point, तो आप लोग electric field कैसे find करोगे? You have to draw tangent to this point. आप लोग इस point से tangent draw कर दोगे तो you will be get the direction of electric field. ठीक है, field line पर अगर आप लोगों ने किसी भी point पर electric field की direction find करनी है तो आप लोग क्या करोगे? उस point पर tangent draw कर दोगे, तो that will give द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट ओके? दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर कैसे होंगी? नॉर्मल। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये इसकी फोर्थ करेक्टरिस्टिक है। फिफ्थ, जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो उसका क्वेश्चन भी आता है। क्या क्वेश्चन आता है? व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट भी आ सकता है, क्रॉस ईच अदर। इसका पहले रीजन समझो, इसका रीजन क्या है इस क्वेश्चन का? ये करेक्टरिस्टिक भी है हमारे पास, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? सपोज कर लो, आई एम हैविंग वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक है और ये दूसरी को मैंने इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी, दिस इज अ वन टेंजेंट, दिस इज द अदर टेंजेंट, बट एट वन पॉइंट यू हैव टू ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या हो रहा है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास कितने टेंजेंट आ रहे हैं? दो टेंजेंट। बट एक्चुअल में एट वन पॉइंट वी आर हैविंग ओनली वन टेंजेंट। तो एट वन पॉइंट दो डायरेक्शन आ रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक पॉइंट पर कितनी आनी चाहिए? एक ही आनी चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो दीज आर द फ्यू ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आपके पास क्वेश्चन आता है इसमें से, टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो मैं फर्स्ट ड्रॉ कर रही हूँ लाइन
मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस, ये चार्ज हो गया, तो दिस इज रेडियली आउटवर्ड। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आएंगी? रेडियली आउटवर्ड, ये फर्स्ट आपके पास पॉइंट हो गया। सेकेंड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, व्हाट इज़ द डायरेक्शन? दैट इज रेडियली इनवर्ड, तो दिस इज रेडियली इनवर्ड। ये बच्चे कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। थर्ड मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सेम एंड ओपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। मैंने अभी क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव, इधर भी स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव। तो ये आपके पास इस टाइप की शेप आ जाएंगी फॉर प्लस और माइनस चार्ज के कारण। इज इट ओके? ये रेडियली आउटवर्ड है, ये रेडियली इनवर्ड है। लास्ट मैं आपके साथ डायरेक्शन डिस्कस करूंगी, टू इक्वल चार्जेस और सेम मैग्नीट्यूड, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की आएगी बाहर की तरफ, बाहर की सॉरी, ये डायरेक्शन आएगी रेडियली आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। तो इस केस में रेडियली रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ही एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो व्हाट इज़ द विद इन द इन दिस रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एंड टू लाइक चार्जेस। तो इसकी कई बार डायग्राम ड्रॉ करना एग्जाम में आ जाता है बेटा, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन इट्स एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन, इज इट ओके? नाउ वी विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू।